हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनएस लर्निंग। आज के सेशन में हम 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा चैप्टर नंबर 1 सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। एन ऑफ ए इज 15 एंड एन ऑफ ए यूनियन बी इज 29 एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 7, देन फाइंड एन ऑफ बी। सो लेट स्टार्ट। एन ऑफ A is 15, N of A union B is 29, N of A intersection B is 7, then find N of B. Formula, intersection B is 7, then N of B find karna hai. N of A union B equal to N of A plus N of B plus minus N of A intersection B. Substitute the given values in the formula. N of A union B is 29, N of A is 15, we don't know N of B, minus N of A intersection B is 7. 29, 15 यहाँ पर प्लस में इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 7 यहाँ पर प्लस में है इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। N of B सेम एज इट, माइनस 15 प्लस 7 बिकम माइनस 8, 29 माइनस 8 N of B, 29 माइनस 8 कम 21, यानी N of B कितना आ गया हमें 21, therefore N of B equal to 21. I hope समझ में आया होगा किस तरह सॉल्व किया मैंने। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट, आउट ऑफ व्हिच 80 ड्रिंक टी एंड 60 ड्रिंक कॉफी एंड 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। एक हॉस्टल में 125 स्टूडेंट है, जिसमें से 80 स्टूडेंट जो है टी ड्रिंक करते हैं और बाकी के स्टूडेंट जो है 60 स्टूडेंट कॉफी एंड 20 जो है दोनों ही पीते हैं टी एंड कॉफी बोथ। सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। तो ऐसे स्टूडेंट को इसमें से फाइंड करो जो ना ही टी और कॉफी ड्रिंक करते हैं। लेट स्टार्ट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल हॉस्टल इज 125, सो एन ऑफ यू इज 125। लेट टी बी द स्टूडेंट हु ड्रिंक टी, टी बी द स्टूडेंट हु ड्रिंक टी, सो हाउ मेनी स्टूडेंट ड्रिंक टी, एन ऑफ टी इज 80। Let C be the student who drink coffee. So N of C is number student who drink coffee. How many student? 60 student. 20 student who drink both tea and coffee. And coffee. So N of tea and coffee both, intersection of T and C is 20. Therefore intersection of यानी total student जो दोनों ही drink करते हैं tea and coffee वो कितने हैं 20 हैं। N of T union C अगर उसका डैश कर देंगे तो वो स्टूडेंट मिल जाएंगे हमें जो दोनों ही नहीं पीते हैं। तो सबसे पहले हमें एन ऑफ टी यूनियन सी फाइंड करना है। एन ऑफ टी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ए, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। सो एन ऑफ टी यूनियन सी नहीं मालूम है हमें, सेम एज इट इज
एन ऑफ टी यूनियन सी, एन ऑफ टी कितना है हमारे पास 80, एन ऑफ सी कितना है 60, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी 20, 80 प्लस 60 140, माइनस 20 120. सो एन ऑफ टी कितना आ गया, एन ऑफ टी यूनियन सी कितना आ गया 120 यूनियन सी. यानी ऐसे स्टूडेंट जो कुछ ना कुछ, ऐसे स्टूडेंट जो हॉस्टल में हैं और वो कुछ ना कुछ या तो टी या तो कॉफी या दोनों ही पीते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट फाइंड करना है जो कुछ नहीं पीते. तो ये किस में से फाइंड कर सकते हैं, पूरे यूनियन सेट में से ऐसे स्टूडेंट्स को माइनस कर देना जो के कुछ नहीं पीते हैं. एन ऑफ यू क्या था, ऐसे स्टूडेंट जो हॉस्टल में हैं, और एन ऑफ टी यूनियन सी क्या है, ऐसे स्टूडेंट जो टी कॉफी या बोथ ड्रिंक करते हैं, प्लस एन ऑफ टी यूनियन सी ऐसे स्टूडेंट जो कुछ नहीं पीते. तो हमें क्या करना है, पूरे स्टूडेंट में से जो स्टूडेंट कुछ ना कुछ पीते हैं उनमें उन्हें माइनस कर देंगे तो वो स्टूडेंट बच जाएंगे जो कुछ नहीं पीते हैं. सो एन ऑफ टी यूनियन सी डैश एन ऑफ यू, एन ऑफ टी यूनियन सी यहाँ प्लस में है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 125, उनमें से जो है कुछ ना कुछ जो ड्रिंक करते हैं वो कितने हैं 120, अभी अभी हमने फाइंड किया था. 125 माइनस 120 इज 5. सो हाउ मैनी स्टूडेंट डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ आर 5 स्टूडेंट. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डोंट डू नॉट टेक और ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ इज 5 स्टूडेंट. आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किस तरह सॉल्व किया. बाकी के क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.